जैसे औरत हैं ऐसे घूम रही हैं, ऐसे टहल रही हैं, उनके साथ घूम रही हैं, ऐसे टहल रही हैं। जैसे भांजे के साथ हम जाते थे तो उनको लेकर, तो सब लोग हमको समझाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आज मेरे साथ मंजू मोहिनी है और खुशबू रानी है। बड़ा ही खुशी का दिन है, वो खुशखबरी क्या है मंजू मोहिनी बताएंगी। आज बहुत ही खुशखबरी का दिन है, मैं चाहूंगा दर्शकों को खिलासा कीजिए। देखिए आज धनतेरस है और धनतेरस के इस महापर्व पर आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद से मैं एक गाड़ी कार ले रही हूँ, ब्लेनो कार। तो ये मेरा नहीं है, आप सबका है, आपका भी है और सबका है। और आप तब ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत और परिश्रम करने के बाद आज आप लोग उस लायक हमको समझे हैं और भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मंजू जी, ये लोग कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आपने सफलता के लिए कितने वर्षों का त्याग किया है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छा शब्द कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती और एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत कंटिन्यू करते रहेंगे तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप दुनिया के ताने सहकर, दुनिया के बातें सुनकर, दुनिया को अवॉइड करके, इन सब बातों को अवॉइड करके, नजरअंदाज करके कि हम नहीं सुन रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सभी को अवॉइड करके अगर आदमी अपने कार्यों पर निर्भर रहता है तो एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है। ये बताइए, अच्छा लोग ये कहते हैं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, मान लीजिए उनकी शादी हो गई, आप शादी होने के बाद आगे बढ़े, तो क्या लगता है कि पति का कितना सहयोग रहे? आज जो कुछ है उनकी उन्हीं की वजह से, अगर वो शायद घर से बाहर ना निकलने देते तो हम क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। नारी शादी जो होने हो जाने के बाद मायके में रहती है, थोड़ी बहुत आजादी रहती है, हालांकि मुझे वहां भी नहीं थी क्योंकि हमारे मम्मी पापा नहीं थे। भाई जो हमारे परिवार के मेंबर बोलेंगे हम वही करेंगे, हम उनसे ऊपर होके कुछ नहीं कर सकते हैं। और अपने मम्मी पापा से लोग जिद भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं कि नहीं मुझे करना है करना है, लेकिन हमने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हमारे चाचा चाची दादी दादा जो भी बोले हम वही करते रहे, अपने परिवार में रहकर हम एक्स्ट्रा काम कभी करने को सोचे नहीं। और ससुराल में जब आए, लेकिन हमारे हस्बैंड कभी हमको कोई किसी भी चीज का बाउंडेशन नहीं दिए। हम उन्हें एक शब्दों में कहे, वो एक शब्दों में हाँ कर दिए, ठीक है तुम तो वैसे भी गाती हो, गांव में शादी विवाह होते हैं, पढ़ते हैं, लोग तुम्हें बुला के ले जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे गाना तक तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ खुशबू रानी जी, देखिए मुस्कुरा रही है। खुशबू रानी ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज इतना खुशी के दिन है, क्या बताए, कुछ कह नहीं सकते हैं, पर इतना खुशी है। आज इतना मेहनत करके यहाँ पर आई हूँ, बहुत मेहनत की है। करीब 10 सालों का मेहनत है मंजू जी का? नहीं, 10 सालों का नहीं है, 3 साल। 3 साल तक मेहनत जी, 3 साल से मैं सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ। मंजू जी आप बता रही 3-4 साल तक आप लगातार कंटिन्यू मेहनत की, तो उन महिलाओं के लिए क्या मंत्र देंगी, कैसे आपने संघर्ष किया, जरा उस कहानी को बताइए। देखिए अब की जो हमारी बहनें हैं, जो भाभियां हैं, अगर वीडियो डालती हैं उसका व्यूज नहीं गया तो बड़ी परेशान सी होने लगती है। और अब जो हमारी बहनें वीडियो डाल रही है सादे गा के, बिना म्यूजिक के, बिना पैसा लगाए हुए, हम लोग भी काम करते हैं, मंगलवार का दिन भी रखे हैं, सभी का सपोर्ट भी करते हैं बिना पैसा लिए। और हम जो काम करते थे अपने यूट्यूब पे, हम म्यूजिक से ही शुरुआत किए थे और पैसा लगा के म्यूजिक बनवाते थे, आज भी पैसा लगा के म्यूजिक बनवाते थे, हालांकि रख लिए हैं म्यूजिक बनाने के लिए अपने यहाँ, तो म्यूजिक बनवाते थे, वीडियो का आना जाना खर्चा जो भी होता था पैसा लगा के यूट्यूब पे काम करते थे, लेकिन व्यूज नहीं आता था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होती थी, मैं ये सोचती थी मुझे काम करना है, मुझे गाना गाना है, पैसे की बहुत लालच मुझको नहीं थी कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं हो रहा है और मेरा व्यूज नहीं, तो इसकी चिंता ना करते हुए आप लोग काम करिए और भरोसा करके भगवान के ऊपर। हाँ हाँ, कभी आप रोई हैं? बिल्कुल, बहुत। कब कब लगा कि बहुत दुख हो रहा है? देखिए रोए हैं हम इस बात को लेकर नहीं कि हमारा व्यूज नहीं जा रहा है और हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हम रोए हैं अगर तो इस बात से कि हम किसी कोई हमें कभी कुछ कह देता था और हम सुन लेते थे। मेरी एक आदत है, जैसे मैं अगर गलती नहीं की हूँ, अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाती,
लेकिन इस क्षेत्र में जब से आई हमें कोई किसी ने कुछ बोला अब मैं सुनी मैं गुस्से में आ गई तो मेरे भांजे मेरे ब्रजेश और भांजे ब्रजेश और हमारे हस्बैंड सभी ने मुझको संभाला कि देखो बर्दाश्त करो आगे बढ़ने के लिए बहुत लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। क्या कुछ अगर कुछ अंश बताना चाहें ऐसे ही मान लो कि जैसे औरत है ऐसे घूम रही है ऐसे टहल रही है उनके साथ घूम रही है ऐसे टहल रही है जैसे भांजे के साथ हम जाते थे तो उनको लेकर तो सब लोग हमको समझाते थे मत बोलो हम इसलिए कभी किसी से कुछ नहीं बोले और धीरे धीरे हमको बर्दाश्त करने की क्षमता हो गई। आज कोई भी कुछ बोलता है मैं मुझे कोई बताता था कि मुझे मत बताओ मुझे नहीं सुननी है सब बात नहीं सुनते तो सभी की बातें सुनकर सब कुछ सुनकर अगर आप अपने आप को मजबूत बना के काम करेंगे ये मेरी बहनों और भाभियों के लिए है जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं कि हमारे पड़ोसी ने हमको ऐसा बोल दिया था जाने दीजिए हमें यूट्यूब पर नहीं काम करेंगे अक्सर होता महिला लेकिन, लेकिन हमारे गांव वालों ने हम अपने गांव वालों से कभी ऐसा कुछ नहीं सुने अपने गांव वालों को ये बहुत बड़ा श्रेय देंगे कि हमारे गांव वाले और हमारे घर वाले तो बिल्कुल नहीं कहे गांव वाले से भी हमने सुना कि ठीक है घर वाले सपोर्ट करते हैं गांव वाले कभी कभी नहीं करते हैं किसी किसी के लेकिन हमारे गांव वालों भी ने सपोर्ट पूरा किया हर समय हमको सम्मान दिए हैं हर समय हमारा नाम हर जगह प्रचार किए हैं। एक बताइए मंजू जी लग रहा था कि आप कभी कार ले पाएंगे जी नहीं गरीबों का एक सपना होता घर हो गाड़ी हो ठीक है घर होने का मेरा बहुत शौक था मेरी शादी नहीं हुई थी तभी से मैं सोचती थी कि मेरे यहाँ खेत वोत ना रहे लेकिन हमको अच्छा सा घर रहे लेकिन गाड़ी वाड़ी का सपना नहीं था कि आज आप सबका स्नेह है बबली लोग का प्यार दुलार है और भगवान की कृपा है भगवान भोलेनाथ की आज चलेंगे गौरी शंकर धाम पे उनका दर्शन करेंगे उनको अर्पित करेंगे कि ये मेरा नहीं है ये आप ही का है जो कुछ है आप ही का है क्योंकि सच में इंसान का यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई किस्सा सुनाना चाहे हमारे दर्शकों किस्सा माने जो लग रहा कि बताना चाहिए दर्शकों बहुत मेहनत लग रहा हो छोड़ देंगे इस दिन को आप कभी ऐसा लगा कि म्यूजिक व्यूजिक छोड़ देंगे नहीं जाना म्यूजिक से लेकर हमने कभी अपना दिमाग नहीं हटाया हमें कुछ भी सहना पड़ेगा कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन हम काम करेंगे हम गीत को गाएंगे खीरा भी जी बिल्कुल साथ ही लाए हैं मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहूँ साथ में ही रहे क्या कहना चाहेंगे कुछ बुरा नहीं दीजिए क्या कहेंगे आप ये जोड़ी आप लोग को हमेशा देखने के मिलेगी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं इतना पसंद कर रहे हैं अगर एक दिन वीडियो लेट हो जाता है छूटने में पब्लिक कमेंट करने लगते हैं और साथ में अगर नहीं जाते इन पे नहीं आते जाते हैं लोग पूछते हैं कि उन्हें कहाँ छोड़ दिए कहाँ नहीं जोड़ी धमाल मचा रही है हाँ। अब कार भी आ गई टीम में क्या बात अभी जो है हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी मंजू मोहनी जी और पुष्पुरानी जी आज जो है इनकी कार निकल रही है इस खुशखबरी में हम लोग भी पहुंचे हैं फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।